जी सर, कैसी तबीयत है? सर अभी तो काफी बेहतर तबीयत होगी, बस थोड़े से उनके पैर में चोट आया। मैं देखती हूँ सर। वो उनको अभी स्लीपिंग पिल्स दिए, वो सो रही हैं। रूम नंबर? सर रूम नंबर 301। बाय द वे, आपको कैसे पता चला कि मेरा? सर वो एक्चुअली मैंने एक दो दफा देखा है आपको उनके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे। प्लीज परवशा, मुझे कुछ सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनाने नहीं बताने आई, बाहर आयशा खाल आई है। तो मैं क्या करूं? इसलिए बता रही हूं कि अम्मी ने कहा है तुम कुछ मत आकर कहना, उन्होंने कहा है वो खुद ही सब कुछ हैंडल करेंगी। और हाँ, खुदा के लिए कोई बदतमीजी मत करना। मुझे उनसे बात करने का कोई शौक भी नहीं है, समझी? भाई सच कहूं, मैंने तो बहुत कोशिश की मुराद को मनाने की, लेकिन उसने मुझे साफ कह दिया कि अम्मी मुझे मजबूर ना करें। अच्छा खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो सबको बता दिया कि कल निकाह है। आप लोग ने भी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। गाड़ी ना सही, मोटरसाइकिल तो सलामी में दे देते। एक नया किस्सा छेड़ दिया आप लोग ने कि हम लुट गए। अच्छा खाला, हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे? मुझे तो यकीन है, लेकिन मुराद यकीन नहीं कर रहा। उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है। बात की बदगुमानियों से बेहतर है कि हम अभी से अपने रास्ते अलग कर लें। आयशा, यूं कहो ना कि तुम्हारे बेटे को वहाज के पैसे की लालच थी और तुम रुशना से झूठ मूठ का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है खाला, मैं आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकती। आप लोग सब मेरी माजत को कबूल कर लें, मैं मजबूर हूं, मेरा बेटा नहीं मान रहा। जी जगा दें। जा जा, हम भी कोई गिरे पड़े नहीं है, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। लालची कहीं के।